आदर्शी फिल्म बनी है। इस फिल्म में मैंने भी एक रोल किया, रजा मुरा जी के छोटे भाई। सारी शूटिंग हम लोगों ने जोधपुर के आगे की थी और बिल्कुल नेचुरल लोकेशन पे की गई। कहानी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि अभी तो ये एक ट्रेलर था, फिल्म देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, रियल लाइफ है। ये फिल्म बनाई गई जो पहले के ज़माने में होता था उसको आज के यंग जनरेशन को ये मालूम होना चाहिए कि पहले क्या होता था। एक दफ़े बच्ची अगर विधवा हो जाती है तो उसके उससे कितने लोग नफरत करते हैं, आस पड़ोस के लोग, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग। तो रितेश जी ने बड़ी खूबसूरती से इस फिल्म को डायरेक्ट किया। बिल्कुल नेचुरल लोकेशन पे हम और रजा मुराद जी 8-10 दिन वहाँ रुके, बड़ा अच्छा काम हुआ। और मैं बधाई दूंगा पूरी टीम को जिन जिन ने इस फिल्म में काम किया। और सबसे बड़ी बात ये योगेश भाई जो हमेशा न्यू कमर्स को, नए लोगों को सपोर्ट करते हैं, इन्होंने ब्राइट की तरफ से पूरा सपोर्ट इनका, योगेश जी का। और बस यही कि अच्छी फिल्म बनी और दुआ करते हैं। नहीं देखिए, अब बहुत बदलाव आ चुका है। हम लोग तो राजस्थान के चप्पे चप्पे में शूटिंग किया और मुझे लगता है कि बहुत बदलाव आ चुका है। और इस फिल्म के बाद बहुत से लोगों की आंखें खुलेगी और लोग समझेंगे कि जो हो रहा था सो गलत है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फिल्म का सब्जेक्ट, ट्रेलर और पोस्टर तीनों अच्छा है और मेरा काम तो पब्लिसिटी का, लेकिन फिल्म इन्होंने बहुत अच्छी बनाई और लोगों तक पहुंचाने का काम है। जैसे सर आएंगे मेरे ऑफिस में नेक्स्ट वीक में और बताएंगे ऐसे ऑल ओवर मुंबई में और जहाँ जहाँ राजस्थान यूपी जहाँ में मेरे से पॉसिबल है मैं हेल्प करेंगे। देखिए मुश्किल तो होता है बट आजकल अगर सब्जेक्ट अच्छा है फिल्में वही चल रही है। आपको भी पता है जो फिल्में लास्ट ईयर आई जिसके सब्जेक्ट अच्छे थे वही फिल्में चली, उसी तरह इसकी कहानी बहुत अच्छी है। और स्टार कास्ट आजकल सेकेंडरी हो गई, कहानी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसा अली जी ने कहा इसकी कहानी बहुत अच्छी है, कुछ नयापन है। और कई लोगों को आज नहीं मालूम है कि ये बाल विवाह क्या होता है, उन बच्चियों के साथ क्या होता है जब वो विधवा अगर बचपन में हो जाए, तो उसकी एक पूरी जर्नी है। तो बहुत अच्छे ढंग से शूट किया गया है और हमारे अरुण पांडे जी जो इसके प्रोड्यूसर हैं उनका पहला अटैम्प्ट है, बहुत अच्छे से उन्होंने इस फिल्म को शूट किया है और मुझे लगता है कि लोग कनेक्ट करेंगे इस फिल्म से। बहुत चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि जब स्टारकास्ट नहीं होती तो उसको सिनेमा तक पहुंचाना ही बहुत चुनौतीपूर्ण है। उस चुनौती के लिए इन्होंने मुझे जोड़ा है, उस चुनौती में कोशिश करेंगे हम कितने खरे उतरते हैं। बट ये डेफिनेट है कि फिल्म का सब्जेक्ट अच्छा है, जब तो अभी तो आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, प्रमोट करेंगे तो सब लोग कनेक्ट करेंगे क्योंकि नयापन है। और फिर योगेश जी के हाथ है तो और योगेश जी साथ में को भी छूते हैं तो सोना हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म अच्छी चलेगी। यस यस बिल्कुल। नहीं बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है और इसकी निंदा हम सब लोग कर रहे हैं और बहुत दुखी हैं। बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं आजकल में थे उसको पोस्टपोन किया गया है। मैं आपको बताऊं कि एक दो शादियां पोस्टपोन हो गई इस जो हादसे की वजह से। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब देना चाहिए, इंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। यस यस बिल्कुल। कुछ ऐसा ही होने के संकेत लग रहे हैं, आपको बहुत जल्दी मालूम पड़ जाएगा। संदेश तो ऐसा ही आ रहा है कि कुछ होने वाला है। 44 सोल्जर की जान गई है, कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। इसमें पूरे दुनिया के हर नागरिक का एक आज गुस्सा है और 100% इसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान हिल गया। पूरा हिंदुस्तान हिल गया। चलो अरुण जी बस एक बात बताना चाहूँगा, हमारी बेटी है 14 साल की, तो जब स्टोरी मेरे पास आई थी मैंने उसको बताया तो बोले पापा क्या स्टोरी है, जैसा कि आजकल चल रही है फिल्में। लेकिन जब उसको बताया तो शौक थी क्या पापा गोदी में भी लेके ऐसा होता है। मैंने कहा बेटा सबको दिखाएंगे, आज आपको नहीं पता आपको भी दिखाएंगे, सब पूरे भारत में दिखाएंगे कि ऐसा भी होता है। जो हमारे यूथ आ रहे हैं उनको नहीं पता कि कभी ऐसा होता था, बट दिखाएंगे सबको। हम लोग के वहाँ जो भी बात होती है लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इवन ये प्रधानमंत्री जी का भी हमारा स्लोगन है। और मैं भी एक औरत हूँ और जब इस तरीके से घटनाएँ होती हैं, और ये ट्रू स्टोरी है, लेकिन मैं
डायरेक्टर मेरा बताएगा कि ट्रू स्टोरी है कहाँ से उन्होंने ली है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये स्लोगन है जो ये मैंने मतलब इस तरीके से लड़कियों के लिए देखा कि आजकल जैसे आप देखते हो कैसे कैसे केसेस होते हैं और ये होता छोटी बच्ची के साथ इस तरीके की घटना हुई होगी वाकई में। और उसके बाद जब उसके साथ ये हुआ तो उसने मेरे को स्टोरी बताई कि ये आज भी ऐसा हुआ ये हकीकत है बात, तो मेरे मन में उसी समय आ गया था कि मैं एक हकीकत क्योंकि जिस लड़की के साथ हुआ है उसका नाम गंगा है सर मैं यही बताऊंगी उसका उस लड़की का नाम गंगा है उसने हमने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि ये डिस्क्लोज ना किया जाए मेरा। बहुत अच्छी एक्टिंग की है सबने और राजा मुराद जी तो खासकर इतने सीनियर हैं तो उनके बारे में तो कोई डाउट है ना। अली खान जी भी सपोर्ट किया इन्होंने। आइए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है इवन टू द ऑडियंस एवर जॉन एवरी वन विल वॉच इट। सो ये दिल फील है कि जो आज हुआ है जो हुआ है एक्चुअली अभी भी फेस कर किया जा रहा है एंड बहुत बहुत जगह में देखने को मिलता है सुनने को मिलता है। सो जो मैं कैरेक्टर प्ले करूँगा मेरे बहुत चैलेंज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे ऐसा रोल मैंने इसमें दिखाया है एंड आई फील वेरी गुड कि मैं ये कर सकती और अगर ये उन्हें देखती भी है तो आई थिंक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा सुनने को मिलेगा। जी इस फिल्म का राइटर भी हूँ फिल्म का डायरेक्टर भी हूँ एक्टर भी हूँ और गाने भी बतौर मैंने ही लिखे हैं सारे क्योंकि ये कहानी बहुत ज़्यादा टची है जैसा कि ऑलरेडी कह चुके हैं ट्रू बेस्ड स्टोरी है। तो आज भी जहाँ से ये चीज़ें हैं वो आज भी होती हैं और जो गंगा कैरेक्टर है इस फिल्म में उसका जो कहानी है जो रियल कहानी है उसी का नाम भी गंगा ही है। बट सॉरी कुछ कारणों से मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आ चुके हैं। सो ठीक है अभी क्योंकि आप जब ऐसी चीज़ें करते हैं और जब आप सत्य को सामने लाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे हर्डल्स आपके सामने आते हैं और वो चैलेंजेस थे मेरे लिए आज भी हैं। बट आई होप सो कि जब फिल्म आएगी तो एक बेहतरीन एक मैसेज आप लोगों के सामने होगा जनता के सामने होगा ऑडियंस के सामने होगा और एक ऐसी मूवी जो अब बहुत लंबे टाइम से नहीं आई है ये उस टाइप की मूवी एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है और सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही आजकल सब कुछ हो रहा है तो बस उसी चीज़ को मैंने फॉलो किया है। जैसे आपने सुना अभी कि डिफरेंट जॉनर है डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एक मैसेज अलग होगा देखते हैं आने दीजिए शुड बी अ वेरी गुड मूवी। थैंक यू सो मच एनीथिंग एल्स थैंक यू। देखा ये बहुत ही अच्छी मूवी लग रही है और कुछ हर एक मूवी का कोई ना कोई मुद्दा होता है। सो मुझे राकेश जी ने पहले बताया था कि ऐसी कोई मूवी आई है और उसके लॉन्च पे तुमने आना है उन्होंने मुझे पूरी डिटेल दे दी थी। प्रोड्यूसर अरुण जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सारी टीम को और आई होप कि ये मूवी धमाल मचाएगी हमारी बेस्ट विशेज है। जो लोग बचपन में शादी करा देते हैं जो गांव में ट्रेलर देख के बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज़ ज़्यादा बनानी चाहिए ताकि लोगों तक पहुंचे ये मैसेज कि कैसा क्या होता है अभी भी इंडिया में कि 2019 में भी ये हो रहा है तो ये इसको बंद कराना चाहिए तो लोगों के लोगों के दिमाग तक कैसे जाए ये चीज़ उसके लिए ऐसी मूवीज़ बनती है। तो मैं राकेश सर को काफ़ी टाइम से जानती हूँ बहुत अच्छे इंसान हैं उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया तो थैंक यू कहना चाहूँगी और उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी एंड आई होप ये मूवी अच्छे से सबको पसंद आए तो आई विश यू ऑल द बेस्ट।
is the best for all team and Saints worldwide team. What about trailer? I like it, but my opinion, I'm against these things. It should be on a correct age, not like that. So it's good message with this movie. Thank you. सबको नमस्कार। जरा इसको, मेरा नाम गौरी शंकर है, ये हमारे डायरेक्टर है, आपको पता ही है, ये हमारी हीरोइन पिक्चर की लीड है। अब आप बताइए क्या चाहते हैं हमसे। सर एक चीज कहना चाहूंगा, होगी तभी तो मेरा कुछ होगा। जितना आप अभी मजाकिया मूड इनका देख रहे हैं, उससे ठीक उल्टा बहुत ज्यादा सीरियस कैरेक्टर उन्होंने फिल्म में निभाया है। और गौरी ने बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा अपना अभिनय किया है, एंड सच अ ग्रेट एक्टर। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब ने हमें मौका दिया और हमने इससे जर्नलिस्टिक सब्जेक्ट पे विषय पे काम किया, और यह फिल्म में बच्ची ने भी बहुत अच्छा काम किया है। बाकी आप लोग कैसा प्रचार प्रसार करते हैं उसके बारे में, अच्छा कैसा बोलते हैं। कैसा करेक्टर है आपका, आपके करेक्टर है? मेरा डायरेक्टर बताया तो अच्छा है यार, है ना, एक्टर बताया तो। बहुत सीरियस, अपने बारे में नहीं बताना चाहिए ज्यादा, बहुत सीरियस कैरेक्टर है। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल, आप जब लोग फिल्म देखेंगे सभी तो क्लियर हो जाएगा कि कितना चैलेंजिंग रोल था गौरी भाई के पास। सारा चैलेंजिंग, सबके लिए चैलेंजिंग है, पूरी फिल्म ही चैलेंजिंग। फिल्म बहुत एक बड़ा चैलेंज थी, क्योंकि एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे मूवी है जो बहुत ज़्यादा मतलब टच करता है हार्ट को, दिल को बहुत टच करता है, तो बहुत चैलेंज था हर एक एक्टर के लिए, हर एक्ट्रेस के लिए बहुत टफ रोल था। सबसे तो सबने बखूबी निभाया है। सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ें आज भी हो रही है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, राजस्थान में स्पेशली, अभी भी चल रहा है ना। यस, अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, है ना। तो बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो बहुत सारी ऐसी, इन्होंने एक अच्छी कहानी को बस रख दिया आपने, बस चलो हो गया। अच्छा बोल रहे हो गए, कुछ कहना चाहती हैं? बोलो बोलो यार, क्या पूछते मुझसे? अच्छा हो गया है, अभी कुछ चाहते हैं तो फिर भी सवाल कुछ करना चाहते हैं आप, चाहते हैं तो। गंगा अभी भी मैली है ये कहा गया है, और ये जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, ये फिल्म का सब्जेक्ट आज भी नॉर्थ के कई स्टेट्स में बच्चियों की शादी कर दी जाती है, और उस स्टेज के ऊपर जब वो बचपन में विधवा हो जाती है, उससे ऐसे ज्वलंत सब्जेक्ट को अरुण जी ने इसको उठाया है, और ममता जी इनकी को प्रोड्यूसर है, दोनों ने मिलकर एक अच्छा एफर्ट करके एक सामाजिक फिल्म बनाई है जो हर फैमिली को कनेक्ट करती है, हर फैमिली को कनेक्ट करती है। देखिए जी, प्लानिंग मार्च की हमारी प्लानिंग है, डेट तो आज नहीं बोल सकते हम, मार्च के अंदर हमारी फिल्म रिलीज है। अभी नेक्स्ट जब हम म्यूजिक लॉन्च करेंगे उस दिन इसकी डेट अनाउंस करेंगे। बहुत अच्छी फिल्म बनी है भाई, यही अपील करूँगा, देखनी चाहिए लोगों को। अभी तक तो लोगों ने कहा बहुत बढ़िया है, पसंद आ रहा है लोगों को, सबसे बड़ा कंटेंट पसंद है उनको। मैं भी इसके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग सलमान की, शाहरुख की और ऋतिक की मूवीज़ देखते हैं, प्लीज़ एक बार हम लोगों को भी देख के, हम लोगों की मूवी भी देखिए, अप्रिशिएट कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ भेजी है हम लोगों ने। अपने इसके माध्यम से हम भी अपनी चीज़, अपनी भावनाओं को कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक औरत हूँ तो मैं औरत की भावनाओं को समझती हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है एक औरत के साथ आजकल के। हाँ नहीं नहीं, 8 मार्च को नहीं है, उस दिन तो हमारा कोई इवेंट होगा, बट फ्लाई म्यूजिकमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी जो अरुण जी ने और इनकी को प्रोड्यूसर ने मिलकर खोली, इस पर बहुत सारे आगे नए काम होने वाले हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं। हाँ। म्यूजिक में भी देखिए, प्रोजेक्ट तो कहानी होगी, उस कहानी पे डिसाइड होगा। हाँ। बट ऑल सब सब्जेक्ट बेस्ड फिल्म में म्यूजिकल और पाइपलाइन में है बहुत। हाँ, सारी बहुत सारे। तो आज हमने इस कंपनी को विधिवत लॉन्च किया, और उसकी एक छोटी सी फिल्म जो बन के रेडी थी उसका लॉन्चिंग किया। हमारे हिसाब से बिगनिंग है ये, स्टार्टिंग है हमारी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।